द टुमारो वॉर, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है जो बेस्ड है एलियंस पे। तो दोस्तों मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि मूवी देखने लायक है या नहीं और इसकी हिंदी डबिंग कैसी है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूनिक मूवीज़ के रिव्यूज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों मूवी में क्रिस प्रैट एक हाई स्कूल टीचर है और एक फैमिली मैन भी है जिनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही है। अचानक एक टाइम ट्रैवलर्स का ग्रुप 2051 से प्रेजेंट डे में आ जाता है जिसे देख के पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। अब ये ग्रुप फ्यूचर से एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज डिलीवर करने आया है। फ्यूचर में 30 साल के बाद एलियंस ने अर्थ पे हमला कर दिया है और पूरी मैनकाइंड ये वॉर को हार चुकी है। अब उन्हें इस वॉर को जीतना है तो उन्हें और लोग चाहिए, इसीलिए वो प्रेजेंट डे से कुछ सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस को फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके इस वॉर में वो उनकी मदद करे। हमारा हीरो क्रिस प्रैट भी इसके लिए चुना जाता है और वो एलियन से लड़ने के लिए फ्यूचर में जाता है। और फिर फ्यूचर में क्या होता है, क्या ह्यूमंस इस वॉर को जीत पाएंगे या नहीं, इसी के बारे में यह मूवी है। तो दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा ये मूवी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। मूवी में एलियंस भी बहुत खतरनाक दिखाए गए हैं और उनको हराने के लिए जो आइडिया यूज़ करना पड़ता है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा था। अगर मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करूँ तो विजुअल्स बहुत ही बढ़िया थे, सब कुछ एकदम रियल लगता है। और अगर आपके पास क्रिस प्रैट और जेके सिमस जैसे एक्टर्स भी हैं तो परफॉर्मेंसेस तो बढ़िया होंगे ही। मूवी का स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, बस कुछ कुछ जगह पे मुझे लॉजिक की थोड़ी कमी लगी और मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये एक बढ़िया मूवी है और इसे देखने के बाद आप खुश भी हो जाते हो। अगर हिंदी डबिंग की बात करूँ तो हिंदी डबिंग तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसे हिंदी में ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 out of 5। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।